हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक शॉप फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने किड्स के एलईडी शूज़ लेकर आई हूँ जैसा कि स्किन पे लाइटिंग है बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है तो जो भी न्यू व्यूवर्स आए हैं वीडियो पे वो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए हिट पे ऑन ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन उनके पास आती रहे और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं कस्टमर्स हैं उन्होंने मेरी वीडियो को देना है ढेर सारा प्यार तो जैसे कि वीडियो स्टार्ट होगी है बहुत ही ब्यूटीफुल ऑसम लुक में एल ई डी के शूज़ लगाए हैं ये बॉयज के हैं यूनिसेक्स भी हैं सारे इसमें गर्ल्स बॉयज दोनों पहन सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक पिंक में लगाए हैं मैंने ब्लू कलर्स में लगाए हैं मतलब पिंक एंड ब्लू दोनों ही कलर्स में लगा दिए हैं ब्लैक कलर्स में लगा दिए हैं वाइट कलर्स में लगा दिए हैं तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है सभी लोग ये शूज़ पहन सकते हैं बॉयज़ भी पहन सकते हैं और गर्ल्स भी पहन सकते हैं तो इस तरह से सारे लाइटिंग शूज़ लगाए हैं बहुत ही अच्छे हील्स वाले लगाए हैं जो कि लाइटिंग वाले शूज़ आपको पता ही है बच्चों को पसंद आते हैं तो ये सारे न्यू बॉर्न बेबी के भी बीच में लगाए हैं मैंने और कुछ बड़ों के लिए भी लगाए हैं जैसे कि बड़ों के मतलब फाइव ईयर तक के सारे साइज हैं फाइव ईयर से लेके सेवन ईयर से लेके एट ईयर तक भी बीच बीच में सारे साइज में लगे हुए हैं मतलब अगर आप ऐसे आग मान लो कि टेन ईयर्स तक के सारे साइज इसमें हैं न्यू बॉर्न बेबी से लेके कर टेन ईयर्स तक के सारे साइज इसमें अवेलेबल हैं आपने लास्ट तक वीडियो में बने रहना सारे एल ई डी शूज ही लगाए हैं जैसे ये न्यू बॉर्न बेबी का लगाए हुए हैं आप देख रहे हो स्किन पे एल ई डी शूज है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लगाए हुए हैं क्वालिटी आपको स्किन पे देख के जज हो रही होगी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है बहुत ही मतलब मॉल कलेक्शन है ये पूरी और इसकी हील्स वगैरह की क्वालिटीज वगैरह लेदर वगैरह की क्वालिटी वगैरह जो नीचे के सोल्स हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है मतलब बेंड होने वाले हैं बच्चों को चलने में दौड़ने में किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि ये सारे स्पोर्ट शूज़ टाइप है और ये सारे एल ई है जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी के जो मैंने लगाए हुए देख रहे हो आप स्क्रीन पर कितना ब्यूटीफुल सा रेड कलर में ये भी एल शूज़ है तो बच्चों को तो लाइटिंग हमेशा ही पसंद आती है आप सबको ही पता है और बच्चे से लेके थोड़े बड़ों को भी लाइटिंग में जैसे ये बड़ों के शूज़ है आप देख रहे हो स्किन पे मतलब बड़े मतलब आठ दस साल के बच्चे के शूज़ अभी स्किन पे चल रहे हैं इस तरह से ये सारे मतलब मैंने मैंने बोला ना आपको कि दस साल तक के बच्चे के सारे शूज हैं जीरो से लेकर टेन ईयर तक के आपको सारे शूज मिल जाएंगे सारे के कलेक्शन मैंने लगाई हुई है और सभी के सभी तरह के कलर्स भी लगाए हैं आप देख रहे हो मैंने इसका नीचे का लुक भी दिखाया और फ्रंट का लुक भी दिखाया और इसके कलर्स भी सारे लगाए हुए हैं जैसे कलर्स अभी ब्लैक कलर चल रहा है आप देख रहे हो और ये भी अभी नेवी नेवी ब्लू कलर में आप देख रहे हो नीचे सोल पे और लाइटिंग लगी हुई है दोनों तरह के शूज में इस इसमें टू तो पीस रख कर भी दिखाया गया है आप देख रहे हो और ये सारे इसकी क्वालिटी देखो आपको क्वालिटी देखने में जज हो रही होगी कुछ फैब्रिक वाली क्वालिटी भी है और कुछ जैसे फॉक्स लेदर वाली क्वालिटी होती है मतलब कपड़े वाली जो क्वालिटी होती है और मतलब जो लेदर का फ्लेक्सिबल होता है ये वेलवेट वाला है जैसे ये किड्स के लिए वेलवेट के शूज लगाए विंटर के लिए तो ये विंटर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल शूज़ होते हैं बच्चों के लिए और ये तो समर में भी, भी पहन सकते हैं जैसे ये पूरा ओपन है सॉक्स के साथ एल शूज़ लगे हुए हैं जैसे कहीं पर समर है तो भी वो शूज़ ले सकते हैं और कहीं पर जैसे विंटर है तो भी ये शूज़ ले सकते हैं क्योंकि पहनने तो बच्चों को सॉक्स ही होती है ऊपर तो इस तरह से बहुत ही ओसम डिज़ाइन्स लगे हुए हैं सभी कलर्स लगे हुए हैं रेड कलर नेवी ब्लू कलर ब्लैक कलर व्हाइट कलर इसमें सारे कलर्स वगैरह मैंने लगाए हुए हैं और कुछ ये विदाउट लेसिस वाले भी हैं कुछ टेप वाले जैसे बच्चों के तो ज्यादातर विदाउट लेसिस ही बच्चे पहनते हैं क्योंकि उनको लेस वगैरह से गिरने के डर रहता है तो जैसे मैंने अभी जो स्किन पे लगे हो आप देख रहे हो इस पर लाइटिंग कितनी ज्यादा है आप देख रहे हो आठ दस लाइटिंग वगैरह लगी हुई हैं और इसमें भी ये सारे टेप्स वाले शूज हैं जैसे कि बड़ों के भी बीच में टेप्स वाले आते हैं लेकिन बच्चों के ज्यादा टेप वाले इसीलिए आते हैं कि ताकि लेस वगैरह खुले तो वो गिरे नहीं और लेस वगैरह बच्चों को जैसे बांधना भी नहीं आता हम ही लोग बांधते हो और वैसे भी वो खुल जाते हैं जब वो दौड़ते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो लेस की बहुत टेंशन रहती है तो जितने भी मैंने स्टाइल्स में लगाए हैं ज़्यादातर मैंने ये टेप्स वाले लगाए हैं और छोटे से थोड़े से लेस होंगे उसके ऊपर टेप होगी ताकि वो लेस खुले नहीं अगर एक बार बंद हो गया तो इस तरह से मैंने टेप वाले सारे शूज़ लगाए हैं विदाउट टेप वाले भी हैं मतलब जो इलास्टिक वाले आजकल चल रहे हैं सॉक्स वाले शूज चल रहे हैं वो भी मैंने लगाए स्किन पे चलेंगे अभी आप देखोगे तो ये जैसे लेस और टेप दोनों का कॉम्बिनेशन लगाया इसके सारे कलर्स भी लगाए जैसे ये पिंक कलर में लगाया आप देख रहे हो इसका मतलब शेड्स देखो कितना अच्छा लग रहा है अभी ये ब्लैक कलर में टेप वाले शूज है अभी तो बच्चे हमेशा टेप वाले शूज ही पहनते हैं ये कंफर्टेबल रहते हैं उनको चलने के लिए और लेस वगैरह खुलते नहीं है जैसे कि आप सबको ही पता है क्योंकि आपके घर में भी बच्चे होंगे तो आप ऐसे ही शूज ढूंढते हो कि जो लेस वाले हो विदाउट टेंशन हो बच्चों को कोई प्रॉब्लम या हार्म ना आए इस वजह से लेस की वजह से तो ये अभी देखो इलास्टिक में है इसमें लेस भी नहीं है ना ही टेप है ये आराम से इजीली बच्चे पहन लेते हैं इसमें लाइटिंग देखो नीचे का सोल भी दिखाया हुआ है लाइटिंग मल्टी कलर लाइटिंग ऐसा नहीं कि अकेले रेड कलर लगा दिया ब्लू कलर लगा दिया ऐसा कुछ नहीं है ये मल्टी कलर है जैसे जैसे बच्चे चलते हैं उसमें कलर्स वगैरह चेंज होते हैं जिन्होंने अभी तक लाइटिंग वाले शूज वगैरह अपने बच्चे के लिए लिए हैं या लेना चाहते हैं अगर जिन्होंने ले लिए हैं उनको तो पता है इसका क्या मतलब तो कैसे वर्क करते हैं जब बच्चे चलते हैं और उसमें लाइटिंग जो तो है चेंज होती है और बच्चे खुद ही बहुत खुश होते हैं लाइटिंग वाले शूज़ पहन के और अपने फ्रेंड सर्कल में भी दिखाते हैं मैंने लाइट वाले शूज़ पहने मैंने लाइट वाले शूज़ पहने जैसे कि हमारे घर में भी बेबी उसको भी छोटा सा एक ला दिया है मैंने तो वो भी मतलब कि जानबूझ के बोलेगा बुआ लाइट बंद करो मेरे को शूज़ की लाइट देखनी है ऐसे बोलेगा तो इसलिए आपको भी अपने बच्चों को करना है खुश तो आज उसके लिए कर लेना ये शूज़ ऑर्डर ये स्पोर्ट शूज़ ये लेस वाले टेप वाले विदाउट टेप वाले मतलब ऐसे शूज़ ऑर्डर कर लीजिए ताकि बच्चे भी आपको बोले लाइट बंद करो हमने शूज़ की लाइट देखनी है तो इस तरह से लाइट वाले शूज़ ले लेने और बच्चों के फेस पर जो स्माइल आने वाली है वो शूज़ देख के आपको उसका कोई भी कॉस्ट नहीं हो पे कर सकते हैं मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब खुशी देते हैं हम लोग को तो मुझे तो बहुत खुशी होती है उनको देख के तो इस तरह से आपने उनके लिए अच्छे अच्छे शूज़ ऑर्डर कर लेने टीना से क्योंकि टीना के पास है इतनी सारी कलेक्शन इतनी सारे कलेक्शन आप देख रहे हो मैंने इसमें कम से कम फिफ्टी प्लस डिज़ाइन लगाए हैं और सबके कलर्स वगैरह भी लगाए हैं इसके कलर्स कॉम्बिनेशन लगाए हैं हाइक में शूज़ लगाए हैं हील्स में लगाए हैं जैसे बच्चों के अगर थोड़ा सा हील्स वाले शूज़ भी पहनते हैं क्योंकि लाइटिंग की वजह से हील प्लस हो जाती है उनके शूज़ के हील के पास प्लस हो जाता है तो इस तरह हील वाले शूज़ भी लगाए हैं फ्लैट में भी लगाए जैसे ये बच्चों का कुछ फ़्लैट वगैरह भी लगाए हुए हैं और ये अच्छी क्वालिटी के मतलब नीचे से प्लास्टिक वाले हील्स वाले शूज लगाए हूँ इस तरह से मतलब इसकी क्वालिटी आपको जज हो रही है स्क्रीन पे जो क्वालिटी मैंने लगाई है सोल की जैसे सोल की आप ये देखो इसका जूम लुक लगाए जूम लुक से आपको इसकी सोल की क्वालिटी पता लग रही है लाइटिंग वाले शूज़ की और ये लाइटिंग वाले शूज़ की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से ये लाइटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं लाइटिंग वाले शूज़ ले तो लेते लेकिन ख़राब हो जाते लेकिन ये शूज़ नहीं ख़राब होने वाले क्योंकि इसकी जो सोल की क्वालिटी है और इसका जो मतलब कि अंदर का टेक्स्चर है आप देख रहे हो जैसे स्क्रीन पर शो कर रहे हैं तो ये हाई क्लास है मतलब इम्पोर्ट कलेक्शन है ये पूरी माल के चलो आप मतलब इसकी क्वालिटी जिस तरह से स्क्रीन पर शो कर रही उसी तरह से आपको आने भी वाली है तो आपने इस चीज़ बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी लाइटिंग कभी खराब होगी हाँ एक टाइम आता है कि खराब भी होती मैं ये नहीं बोलती कि सालों साल जब तक शूज टूट नहीं रहे तब तक ये चलते ही रहेंगे कई बार ऐसे होता है कि वाटर में या या शूज़ टूट ही गए हैं तो फिर वो लाइटिंग भी तो खराब होगी होगी ना तो इसलिए ये काफी टाइम तक चलने वाले शूज होते हैं और बच्चों को मतलब कि मान लो अगर बच्चे थोड़े टाइम भी इसको यूज किया और उन्होंने खुशी महसूस की तो वो आपके पैसे तो वैसे ही पूरे हो जाते हैं लाइटिंग वाले शूज देख के बच्चे जब हंसते हैं तो तो इस तरह आपने से आपने अपने बच्चों को करना है खुश और मुझसे कर लेना ऑर्डर जिससे मैं भी हो जाऊंगी खुश क्योंकि ऑर्डर आने पे सभी खुश होते हैं और इसलिए आपने ऐसे कोई भी ऑर्डर जो है मेरी स्किन पे जैसे अभी ये देखो कितना ब्यूटीफुल है ये ग्रीन कलर का और ये भी अभी वाइट कलर का जैसे टेप वाला लगाया तो बच्चों ने इसमें एक्चुअल में टेप्स हो गई या इलास्टिक हो गया इससे बच्चों का पैर का ग्रिप बना रहता है मतलब लेस से ना बच्चों का ग्रिप नहीं बनता है क्योंकि लेस वाला जो आगे का उसका मतलब फेसिस होता है वो खुल जाते हैं हाँ, तो इसलिए जो उसके आगे का फेस होता है वो जो खुल जाता है लेस की वजह से तो इसमें क्या होता है टेप की वजह से बंद हो जाता है बच्चों के पैर में ग्रिप आ जाता है और मान लो अगर टेप नहीं है लेस नहीं है तो इलास्टिक वाले जो सॉक्स वाले शूज चल रहे हैं उसमें भी बच्चों का बहुत ग्रिप होता है तो जो उनके आराम से उनको चलने में सपोर्ट करता है जैसे कि मैंने न्यू बॉर्न बेबी के लगाए हैं ना तो उनको चलने में बहुत सपोर्ट करने वाला है तो ये ब्यूटीफुल से शूज़ जो है मैं अभी आपकी साइज़ मैंने बता दिया है आपको कितना मिलने वाला है साइज आपको मिलेगा ज़ीरो से लेकर कर टेन ईयर तक के बेबी के सारा साइज़ है आप सुन लीजिए इसके प्राइस क्या है आप बोलोगे प्राइस के लिए मैं बहुत लेट कर देती हूँ लेकिन इतनी इसकी इतनी तारीफ़ होती है क्योंकि इतने अच्छे शूज़ लगाती हूँ मैं सोचती हूँ इसके बारे में आपको डिटेल से पहले बता दूँ प्राइस तो आपने तब भी मुझसे पूछ लेना जब आपको डिज़ाइन पसंद आ जाएगा आप मुझे व्हाट्सअप पे भेजोगे तो भी आप प्राइस पूछ सकते हो उसका कितना प्राइस है क्योंकि जो चीज़ पसंद ही आ गई उसका प्राइस महंगा या सस्ता ये आप नहीं सोचते हो आई थिंक मैं तो नहीं सोचती इसलिए मैं आपको भी वही सोचती हूँ क्योंकि जैसा मैं सोचती हूँ वैसे मुझे सभी नजर आते हैं तो इसलिए मैं आपको ये बता दूँ इसका प्राइस बहुत ही रीजनेबल है ये थ्री फिफ्टी से शुरू होंगे साढ़े तीन से ये शुरू होंगे और साढ़े छः तक जाएंगे मतलब थ्री फिफ्टी और टू स्टार्ट एंड सिक्स फिफ्टी टू एंड और बीच का जो मार्जिन वाला मतलब बीच का जो मतलब रेट है वो सबसे ज्यादा कलेक्शन है मतलब थ्री फिफ्टी वाले कम है मान लीजिए और सिक्स फिफ्टी वाले रेयर है मान लीजिए बीच की जो कलेक्शन है साढ़े चार सौ साढ़े पाँच सौ के ज्यादा शूज है इसमें ह्यूज कलेक्शन आपको मान लो ये शूज है मान लो आपको साढ़े चार सौ रुपए के मिल जाएंगे या साढ़े पाँच सौ रुपए के मिल जाएंगे मतलब यही मेन दो रेट है चार सौ साढ़े चार सौ साढ़े पाँच सौ यही मेन रेट है बाकी साढ़े तीन सौ के शूज कम और 400 के शूज़ हैं साढ़े तीन साढ़े चार सौ के पाँच सौ के इस तरह से मतलब बीच के जो अमाउंट है जो लो अमाउंट है वो ज्यादा यूज कलेक्शन इसके अंदर डाली साढ़े छः सौ के रेयर कलेक्शन है मैंने जस्ट नाम के लिए बोल दिया क्योंकि दो चार पीस मैंने लगाए हुए हैं वो साढ़े छः सौ के हैं इसलिए मैंने वो पूरा रेट आपको बता दिया लेकिन ज़्यादातर अगर आप कोई भी कलेक्शन पसंद करोगे या तो उसका रेट चार सौ साढ़े चार सौ साढ़े पाँच सौ तक के बीच में ही आने वाला है तो आपने मान लो ये कलेक्शन जैसे ये बच्चों की मैंने लगाई है आप देख रहे हो लाइटिंग इसमें भी लगी है एक्चुअल में है तो ये शूज़ सैंडल वाले शूज़ हैं लेकिन इसमें भी लाइटिंग वगैरह लगा दी है कि लड़कियों के भी कोई भी फैशन कम नहीं होना चाहिए गर्ल्स फैशन में बिल्कुल भी कम नहीं है बॉयज से तो बिल्कुल भी कम नहीं है ये आपने देख लिया स्किन पे कि ऐसे सैंडल्स में भी लाइट आपने अभी तक नहीं देखी होगी जैसा मैंने ये सैंडल लगाया है इसमें भी लाइट लगी हुई है और शूज़ में टेप वाले शूज़ में या स्पोर्ट शूज़ में या मतलब जो सॉक्स वाले शूज़ है विदाउट लेसिस शूज़ है उसमें तो लगी ही लगी है एक्चुअल में विदाउट लेसिस शूज़ में भी आज तक आपने लाइटिंग नहीं देखी होगी आपने सिर्फ ऐसे टेप वाले शूज़ में या स्पोर्ट शूज़ में ही लाइटिंग देखी होगी लेकिन मेरे पास क्या है सॉक्स वाले शूज़ में भी लाइटिंग लगी हुई है और लड़कियों के ऐसे फीमेल सैंडल्स में भी मतलब लाइटिंग लगी हुई है तो अभी किसी कोई भी आपका फ़ैशन है किसी भी तरह के आपका बच्चा है मतलब शूज़ पहन रहा है सैंडल पहन रहा है तो उसमें उसको लाइटिंग मिलेगी ही मिलेगी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिलने वाला है जैसे अभी स्क्रीन पे इतना ब्यूटीफुल आप देख रहे हो चल रहा है और एलईडी शूज भी लिखा ऊपर लिख भी दिया इजी टू क्लीन क्लीन मतलब इसको clean करना भी बहुत है कई बार हम सोचते हैं कि एलईडी वाले को अगर हम पानी में डालेंगे तो खराब हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होता आप इसको वाइप लीजिए आराम से क्लीन कर लीजिए या ऐसे डिश वॉशर से आप लिक्विड लगाने के बाद थोड़ा सा ब्रश मारेंगे तो भी शूज क्लीन हो जाते हैं जरूरी नहीं उसको पानी में डिबो के आपको दस बार गोते लगवाने हैं तो वो एलईडी मशीन एलईडी

आराम से सुन लीजिए आप मेरी बात को क्योंकि टीना ने आपको बता दिया इसको वॉश कैसे करना है क्योंकि लिया शूज़ में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ जाती है कई बार तो इसलिए मैं आपको केयर केयरॉली बोल देती हूँ क्योंकि बच्चों को एक बार चीज़ पसंद गई तो आपको दोबारा ऑर्डर करके मंगवानी ही पड़ेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं या आप सभी को बताए आप सबके घर में अगर हैं बच्चे तो तो इसलिए आपने ये जितने भी शूज़ लगाए हुए भी सारे ऑर्डर्स कर लेने हैं और ये सारे कैश ऑन डिलीवरी पे मिल जाएगा मान लो आपने कोई शूज़ पसंद किया है थ्री फिफ्टी रुपीज़ का मान लो ये थ्री फिफ्टी रुपीज़ का तो आपको ओनली थ्री फिफ्टी रुपीज़ पे करना है अगर फोर फिफ्टी मैंने बोल दिया तो फोर फिफ्टी रुपीज़ ही आपने पे करना है कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा कैश ऑन डिलीवरी पर यह सारा ऑर्डर आपको मिल जाएगा जो भी मैं आपको बताऊंगी और ये फ्री शिपिंग के साथ मिलेगा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है आपको कोई कोरियर चार्जेस नहीं है कोई रिटर्न एक्सचेंज चार्जेस नहीं कोई भी चार्जेस नहीं है कैश ऑन डिलीवरी मिलेगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिलेगी आप कहीं से भी हो एमपी से हो गुजरात से महाराष्ट्र से कहीं से भी हो कोई भी देश है आपका कोई भी प्रदेश है आपका कहीं पर भी आप फ्री शिपिंग से एक शूज़ अपना ऑर्डर कर सकते हो ऐसा भी नहीं मल्टीपल शूज आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे कोई हजार दो हज़ार का ऑर्डर बना के देना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं अगर थ्री फिफ्टी का पसंद आता है तो थ्री फिफ्टी में आपको कैश ऑन डिलीवरी में फ्री शिपिंग में वो चीज़ आपके घर पर पहुंच जाएगी आपने कोरियर बॉय को देनी है पेमेंट और अपना शूज़ ले लेना है ऑर्डर और जो भी आपके बच्चे का साइज है वो आपने एक्यूरेट बताना अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती मान लो आपने तीन नंबर बताया ये चार नंबर बताया कितना भी नंबर बताया आपने मान लो उसमें फिटिंग नहीं आ रही है तो उसको रिटर्न एक्सचेंज भी हम लोग कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पर भी आपको कोरियर जाके देना नहीं पड़ेगा जैसे कोरियर बॉय मेरा आपको देने जाता है वैसे आपको उससे कोरियर लेने आएगा और वो आपको रिटर्न करके चेंज करके पाँच दिन में वापस देकर जाएगा पांच दिन का ये पूरा रिटर्न एक्सचेंज का प्रोसेस होता है हमारा तो आपने पूरा पेशेंस बना के रखना है इस चीज़ के लिए पाँच दिन में आपको चीज आपकी एक्सचेंज होकर मिल जाएगी अगर आपने जो भी साइज़ दिया मान लो कई बार साइज की कन्फ्यूजन हो जाती है कुछ का, का साइज स्टैंडर्ड साइज होता है कुछ का चोर साइज होते हैं तो इसलिए अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो टीना के पास रिटर्न एक्सचेंज अवेलेबल है वो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है तो इस चीज़ की आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि क्या होगा अब क्योंकि बाकी जो रीसेलर है वो रिटर्न एक्सचेंज नहीं लेते लेकिन टीना रिटर्न एक्सचेंज लेती है टीना कैश ऑन डिलीवरी पे सारा सामान देती है टीना ऑनलाइन पेमेंट को प्रेफर नहीं देते लेकिन अगर आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट प्रेफर करते हो मुझे देते हो तो मैं सामने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरा कैश ऑन डिलीवरी पे भी बेस्ट है अगर आप देते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसलिए आपने जो भी आपको शूज पसंद आएगा आपने वो टीना को दे देना है ऑर्डर और, और मेरा WhatsApp नंबर नोट कर लीजिए जिस आपने ऑर्डर देना है 99158 सिक्स फाइव नाइन सेवन सिक्स यही नंबर पे आपको मुझे ऑर्डर व्हाट्सएप पे भेजना है यही मेरा कॉलिंग नंबर है यही मेरा व्हाट्सअप नंबर इसी व्हाट्सअप नंबर पे मेरे स्टेटस वगैरह भी लगते हैं आपने जब मुझे कॉल करनी है या मैसेज करना अपना नेम एंड सिटी भेज देना है और आप मेरा नंबर सेव कर लेना है जब आप मेरा नंबर सेव कर लोगे मैं आपका नंबर सेव कर लूंगी तो आपको मेरे व्हाट्सअप के स्टेटस शो होने लग जाएंगे जो भी वहां पर मैं कलेक्शन वगैरह लगाती हूँ वो आपको सारी कलेक्शन देखने को मिल जाएगी उसमें से भी आप कुछ भी पसंद कर सकते हो नीचे रेट्स वगैरह लिखे होते हैं फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया लिखा होता है कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल लिखा होता है मतलब ऑलरेडी मैं हर एक चीज लिख देती हूँ जो भी साइज होता है या कुछ भी फैब्रिक होता है वो सारा मैं स्टेटस पे लिख देती हूँ आपको सिर्फ वो, वो चीज़ को मुझे बोलना है कि ऑर्डर कर दो या कैश ऑन डिलीवरी और अब पूरा एड्रेस अपना भेजना है तो वो चीज़ ऑर्डर हो जाती है हमारी तरफ से तो इसी तरह से आपने मेरे स्टेटस पे आ जाना कोई भी चीज़ें ऑर्डर करते रहना क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी कलेक्शन मल्टीपल्स कैटेगरी डेली पोस्ट होती है जैसे यहाँ पर तो मैं शूज की ही लेकर आई हूँ लेकिन वहाँ पर मल्टीपल कैटेगरी पोस्ट होती है उसमें से आपको कुछ ना कुछ पसंद आता आने ही वाला है क्योंकि किचन आइटम्स भी होती हैं एक्सेसरीज वगैरह भी होती हैं ज्वेलरीज़ वगैरह भी है मैन की किड्स वेयर की हर एक कलेक्शन मेरे पास होती है तो इसलिए आपने टीना से शॉपिंग करने के लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मुझे किचन की आइटम लेनी तो मुझे कहीं और जाना पड़ेगा या बॉयज़ की लेनी तो कहीं और जाना पड़ेगा आपको सारी चीज़ें टीना के वाट्सअप स्टेटस पे मिल जाएंगी टीना से आप एक्स्ट्रा कलेक्शन भी ले सकते हो मान लो आपने कोई और कलेक्शन देखनी है तो वो भी कलेक्शन आप मे मेरे से ले सकते हो मैं सारे कलेक्शन आपके साथ सेंड कर सकती हूँ जो भी आपको चाहिए होगी मतलब मान लो कोई भी अलग से जो स्टेटस पे नहीं लगी हो तो इस तरह टीना की पूरी वीडियो देखते रहना और जितने भी न्यू व्यूवर्स आए प्लीज़ आप कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो और बेल आइकन को कर दीजिए हिट पे ऑल थैंक यू माई ऑल फ्रेंड्स लव यू ऑल थैंक यू सो मच कीप सपोर्टिंग आईकॉनिक शॉप चैनल